हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये है मेरी वो खास बंदी जिससे मैं आप सबसे मिलाना चाहती थी। तो शी इज पूछी और ये मेरी बड़ी बेटी है एंड शी इज 9 ईयर्स ओल्ड। आई लव यू टू पूछी। आई लव यू टू पूछी। थैंक यू। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है ये। तो आज की जो ये वीडियो है ये पूची के कुछ ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पूची मेरे पास आई कैसे। मुझे बचपन से ही डॉग्स बहुत पसंद है। मुझे मम्मी बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो फिर मैं स्कूल से आते जाते कभी भी कोई भी पपी दिखता था तो मैं उसको उठा के लाती थी और डॉग दिखता था तो मैं उसको पैट करने चली जाती थी। एंड बार 2010 की है तो मेरा बहुत मन था कि मुझे जो है डॉग रखना है क्योंकि मम्मी के घर में बिल्कुल लव नहीं था क्योंकि मम्मी को डॉग्स नहीं पसंद है। लेकिन मैंने ये ठान ली थी कि मुझे तो डॉग लेके ही आना है। उस टाइम पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था अबाउट यू नो लाइक अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर परचेज करना है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैंने बोला कि देखो मुझे एक डॉग पालना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस साल तो मुझे लाना ही लाना है। तो हम दोनों ने मिलके एक खिचड़ी पकाई एंड जो है घर आती है पूछी को लेके आती है और बोलती है कि देखो ये मेरी कजिन का पपी है और उसको अचानक से प्रॉब्लम हो गया तो उसको जाना पड़ रहा है तो तुम इसको ना एक हफ्ते के लिए अपने पास रख लो। तो मन में तो मेरे लड्डू फूट रहे थे पूछी को देख के कि ओ माय गॉड कितना प्यारा सा पपी है, ये तो मेरा पपी है। और लेकिन मुझे बाहर से दिखाना था कि नहीं भाई, ये तो मैंने बोला कि मैं कैसे रखूंगी, मैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कैसे देखभाल करना है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड की तरफ मासूम शक्ल बना के देखती हूँ तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो एक हफ्ते की बात है तो रख लेते हैं। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, तब तक मेरे हस्बैंड को समझ में आ चुका था कि ये तो मेरी पकाई हुई खिचड़ी है। और देन फाइनली उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि सच सच बताओ ये तुम्हारी तुम्हारी करामत है ना। अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे तो फिर मैंने बोला हाँ मुझे बहुत मन है और तुम बार बार मना कर रहे थे तो इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल के किया। गुस्सा तो बहुत हुए मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, 2-3 दिन मुझसे बात भी नहीं करी। लेकिन पूछी इतनी प्यारी थी कि पूछी को देख के उनका भी दिल एकदम पिघल गया और फिर तब से पूछी हमारे पास है, पूछी मेरी बड़ी बेटी है और तब से मेरी मदरहुड का जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी आप जो भी वीडियोस देखेंगे वो आप पूछी के वीडियोस देखेंगे तो